वेलकम बैक गाइस। अभी हम हॉल ऑफ फेम पर आए हैं जो ले में ही है, और यहाँ पर काफ़ी कुछ देख सकते हैं आप, आर्टिलरी वगैरह, जीप वगैरह लगाई हुई। और ये जस्ट मेरे पीछे हावित्ज़र जो वॉर में यूज़ होती है। ये टिकट लिया हमने, ये टिकट होता है यहाँ पर 225 का प्लस 20 रुपीज़ फ़ोन चार्जेस एक्स्ट्रा। और इसमें ये हॉल ऑफ फेम और जो रबर फोर्ट में दोनों में होता है। हॉल ऑफ फेम का जो लाइट शो है वो नहीं होगा, लेकिन जो रबर फोर्ट का म्यूजियम और लाइट शो दोनों इसमें है। चलिए शुरू करते हैं। कारगिल और सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए उसकी तमाम जानकारी आपको पीछे बोर्ड से दी गई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, एक जवान सियाचिन में कैसे सर्वाइव करते, कैसे रहते हैं, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया, वो भी आप देख सकते। और शोकेस में रखे कुछ एक वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के, जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन, वो भी आप देख सकते हैं। कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर, दो बड़े रिवर आते चाइना से, एक है इंदस और सिंगो जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है, लास्ट कोने में सिगारा जो की पीओके पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम यहाँ पे रेड कलर से दिए गए, जैसे कुलतारी, कौन, मटियाल, पिजोट, मारो, ये पीओके के कुछ एक गांव जो अभी भी वहाँ मौजूद है। वो जो एरो है जो बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट कर रही है, ये है एलओसी। एलओसी पता है? मुझे सुनाई नहीं दिया। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर, उनको रेंजर बुलाया जाता है, क्या बुलाया जाता है, इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गए एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके हमारे कुछ एक पोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं, ड्रा सेक्टर में तोलोनिंग 2.5.40 टाइगर हिल 4A75 ड्रा सेक्टर में, कारगिल में 0.5608 कास्कर और मज्जाद को, और बटाली के चार सेक्टर जैसे जुबरा, क्यालदोर, मुंटरालो और खालुबर, ये पूरा का पूरा उन्होंने 134 किलोमीटर पूरा धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो चुके थे। तो कैसे पता लगा कि हमारे पोस्ट ऑक्युपाइड हो चुके, ध्यान से सुनिएगा। बटाली क्षेत्र में एक चरवा था सिपाट भेड़ बकरी चराने वाला, जिसका नाम था तासीनाम गिल। क्या था? तासीनाम गिल। जब अपने भेड़ बकरी के साथ वो बटाली क्षेत्र के मुंटो डालो पे घूम रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ एक हरकत को देखा कि वहाँ 7 या 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए वहाँ पे वो पत्थर से बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने उनको कंफर्म हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन होके बैठे थे इंडियन आर्मी, उनको आके उन्होंने तुरंत इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने वहाँ पे ऐसे हरकत को करते हुए देखा है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वो तुरंत हरकत पे आ गए इंडियन आर्मी, और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए वहाँ पे एक टोली बनाई गई, एक कॉप्टर, 10 जवान, टोटल 11 जन की टोली, जिस टोली के कमांडर थे, आपने नाम भी सुना होगा, कैप्टन सौरभ कालिया साहब, नाम सुना है? क्या सुना आपने? कैप्टन सौरभ कालिया साहब। जब उनकी टोली सर्च के लिए गए, 11 गए तो थे, लेकिन 11 के 11 वापस देश पे नहीं लौटे। इसीलिए जो 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो बटाली से शुरू हुआ था, और जितने भी बटाली सेक्टर में हमारे पाकिस्तान ने पोस्ट ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर वहाँ पे
ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के तहत चार के चार को रिकैप्चर कर लिया गया। आप देख सकते रिकैप्चर तो हुआ लेकिन खालुबा टॉप 0.4812 पे फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालुबा टॉप को रिकैप्चर करते हुए वहां पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में तोलोनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो श्रीनगर से दो जिला द्रास कारगिल होते हुए लेह की ओर जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है वो पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर तोलोलिंग टॉप पाकिस्तान कैप्चर कर लेते तो जहां आज हम सब खड़े हैं वो किसका होता? पाकिस्तान। किसका सर? पाकिस्तान। होने देते? नहीं। देते? नहीं। ऐसा ना हो इसलिए ड्रास सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोलिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। इस टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को एक महीने का समय लगा क्योंकि टाइगर हिल और 5140 ज्यादा डोमिनेंट हाइट में होने के कारण ये उनके निगरानी में था। तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापर जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे जिनका दलास पोस्ट इस दीवार पर दिया गया। नेक्स्ट आग 0.5140 जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, उनका दूसरा नाम भी है क्या? वो मुझे सुनाई नहीं दिया सर। उन्होंने किया भी लेकिन करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी आर्मी थी उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के इस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया। चार के चार लास्ट कारगिल जैसे 0.5608 कास्कर और मज्जात को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान में ये पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू। जय हिंद। तो यहाँ पर अभी 8 बजे से लाइटनिंग शो होगा और ऑडियंस पहले आ चुकी है। अभी टाइम हुआ है 7:30। देखते हैं लाइटनिंग शो कैसा होता है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम द लेजेंडरी सुरावत फोर्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू लद्दाख, द लैंड of endless discoveries.